पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। अब इस हत्याकांड में सियासत भी शुरू हो गई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है जिसमें कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने पोस्ट में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के साथ सरगुजा कांड के दो प्रमुख आरोपियों की फोटो डालकर पोस्ट किया है। बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे तीन यार, होंगे हर अपराधी जेल में, जीरो टॉलरेंस है विष्णु सरकार। आपको बता दें कि सूरजपुर हत्याकांड के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तारीफ शेख की पत्नी और बेटी की हत्या केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एनएसयूआई नेता सीके चौधरी भी शामिल है। और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि देवेंद्र यादव, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी और कुलदीप साहू साथ में दिख रहे हैं। तो इस फोटो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।